समस्त सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन एकत्रित होकर कोतवाली थाना पहुंचे, जहां युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चंदेल ने लीना मानिकलेमई के द्वारा बनाई जा रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही इस फिल्म में सहयोग कर रहे तमाम सहयोगी के ऊपर कोतवाली थाना में FIR कराई। शहीद चौक स्थित जिला स्कूल परिसर के पास शहर के समस्त सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन एकत्रित होकर कोतवाली थाना पहुंचे, जहां युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चंदेल ने लीना मानिक मेलाई के द्वारा बनाई जा रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर में सनातन धर्मावलियों की आराध्या माँ काली को सिगरेट पीते हुए और एक हाथ में LGBTQ का प्रतीक झंडा लिए हुए दिखाया गया है। साथ ही इस फिल्म का समर्थन कर रही TMC की सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा भी अभद्र टिप्पणी की गई। मां काली के ऊपर लीना मानिकलेमई और इस फिल्म में सहयोग कर रहे तमाम सहयोगियों के ऊपर कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। इस अवसर पर उपस्थित रांची जिला श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत लघु चलचित्र के माध्यम से सनातन धर्मावलियों के आस्था एवं धार्मिक भावना को आगत पहुंचाने के दृष्टिकोण से मां काली का जो पोस्टर जारी किया गया है वो बेहद आपत्तिजनक है। देश का माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे निर्माता निर्देशकों पर बैन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवता का अपमान करने वालों को अलिम्बम गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवता का अपमान करने वालों को अविलंब गिरफ्तारी की जाए। रांची महानगर काली पूजा समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि सभी की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए और सभी गुनहगार देश से माफी मांगे। महावीर मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव और मंत्री दीपक ओझा ने संयुक्त रूप से कहा कि ऐसे लोग देश का माहौल खराब करते हैं, ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर अभिलंब सजा देनी चाहिए। धर्मावलंबियों से आह्वान किया था कि हम लोग सभी कोई मिलकर जिला स्कूल में पहुंचे और वहां से एकत्रित होकर हम लोग कोतवाली थाना पहुंचेंगे और मैं FIR दर्ज करने जा रहा हूं फिल्म के काली फिल्म के निर्माता के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर और TMC के सांसद के ऊपर, जिन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। हम लोग ऐसे लोगों के विरुद्ध खड़ा है जो हिंदू को अपमान करने का काम करते हैं, हिंदू की देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध आज रांची के तमाम धार्मिक संगठन एकत्रित हुए हैं। जो फिल्म निर्माता है वो हमेशा से ऐसे जो फिल्म का जो हिंदू धर्म के साथ निर्माण करते हैं उनका, देखिए मैं यही भारत सरकार से मांग करूंगा, राज्य सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो ऐसा फिल्म बनाते हैं। जब तक उन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये आदतें को नहीं छोड़ेंगे। ये मजाक बना दिया है लोगों ने हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करने का। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत अरेस्टिंग होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। ऐसे लोग पूरे देश में दंगा फसाद बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, ऐसे लोगों पर उनके कार्यों में आजीवन बैंड लगाना चाहिए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रांची से सुनील पोदार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।